पहले चरण में 19 अप्रैल को जहां मतदान होना है उसके लिए कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर भी 19 अप्रैल को मतदान होगा। कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार रुक जाएगा। आखिरी मरहले में चुनाव प्रचार चल रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं रुचि वीरा, जो मुरादाबाद से चुनाव लड़ रही हैं। मैडम, ये बताइए, आखिरी मरहले में चुनाव प्रचार है, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार और कैसा प्यार मुरादाबाद की जनता से आपको मिल रहा है? देखिए, मुझे तो उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा मुझे मुरादाबाद के जो सम्मानित जनता है उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन, उनके वो मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और मुझे मतलब बहुत ही दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा चुनाव है। क्या लगा आपको चुनाव प्रचार के दौरान कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोटिंग होने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, विकास की तो देखो बात ही मत करो। यहाँ 10 साल पहले स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुआ था ये मुरादाबाद, और 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने घूमे होंगे आप भी शायद मुरादाबाद की सड़कों को देखते हुए आए होंगे, पूरा मुरादाबाद खुदा पड़ा है, नाले सब खुदे हुए हैं, सड़कें सबकी दुकानदारी बंद है, दुकानदारों की लोग अपने घरों से, बड़े बुजुर्ग लोग, महिलाएं निकल नहीं पा रहे हैं, तख्ते लगा लगा के निकल रहे हैं। 10 साल में जब वो एक शहर को स्मार्ट सिटी नहीं बना सके, गांव देहात में बीचों बीच सड़कें सब खुदी पड़ी हैं, सड़कें सब गांव में, एक गांव में नहीं सब गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, क्योंकि भाई वो टंकियों के लिए खुदे हैं, ना तो टंकी चालू हुई ना वो सड़क बनी हुई सड़क टूट और गई, क्योंकि भाई सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बहुत बड़े नेता के बेटे के पास वो ठेका है, तो वो इसलिए सब खोद दी गई हैं और उन पानी नलके में नल टंकी में कहीं आया नहीं है और सड़कें सब टूटी फूटी पड़ी हैं, जाम की स्थिति है यहाँ मुरादाबाद में। जो रेलवे लाइन से जो लोग क्रॉसिंग था जिससे लाइन पार चले जाया करते थे, उस रेलवे का जो पुल था जी, रेलवे ने बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे उसको बंद कर दिया है। लोगों को कई कई किलोमीटर रोजाना समय और अपना पेट्रोल डीजल फूंकना पड़ रहा है। तो ये अखिलेश यादव जी की रैली प्रस्तावित है, तो कहाँ होने जा रही है, क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, सब जूझ रहे हैं, हम तो बहुत पहले उनकी मीटिंग रैली मतलब निश्चित हुई थी, लेकिन उस दिन मौसम ख़राब होने की वजह से वो पायलट ने उनको मतलब नहीं आ पाए थे और अब हम उनकी रैली कराना चाह रहे थे भोजपुर में, और सब जगह भी हमने ढूंढ के NOC भी दे दी और सब चीज़ें कर दी हैं, लेकिन अभी तक भी हमें प्रशासन ने कोई स्वीकृति नहीं दी है। प्रयासरत हैं, जैसे ही तय हो जाएगा तैसे ही बहुत बड़ी रैली का, पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज पहले NOC लिख दी प्रिंसिपल ने, DIOS ने भी कह दिया, SDM ने भी कह दिया, फिर उसने कह दिया भाई जब उसके ऊपर दबाव आया सरकारी लोगों का या BJP के जो भी लोग हैं उन्होंने दबाव बनाया, तो उसने फिर कह दिया कि नहीं NOC नहीं दे रही हूँ मैं। तो हमारे साथ तो भाई हम तो बहुत वहाँ मुरादाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में भी हुआ, तो कुल मिला के कहने का ये अभी हम जुस्तजू कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और भाई रैली कर बहुत बढ़िया रैली कराने की पूरी तैयारी में है, वहाँ से उनका प्रोग्राम जारी हो गया है, लेकिन यहाँ जो हमें पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में रखा गया है, अभी तक हमें कोई क्लियर कट मतलब हमारी परमिशन मतलब नहीं आपके हुई साथ परमिशन को लेकर के वो जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको? बिल्कुल सपोर्ट नहीं, हमें हैरेस किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, और लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरी मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरी जो ये जनता है यही जनार्दन होती है, यही भगवान होती है। वीरा के मुकाबले में कौन है चुनाव प्रचार में? प्रचार में तो वो जो कैंडिडेट है मैंने तो अभी तक कहीं देखा नहीं, एक दिन फोटो देखा था मैंने, तो जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से ही तबीयत बिगड़ गई, तो भाई मेरे साथ तो जनता है और सब धुआंधार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास सरकारी मशीनरी हो सकती है, मेरे पास जनता है भाई, तो मैं तो आप समझते ही सारी चीज़ें। जीत पक्की है रुचि वीरा की? 100% पक्की है, 100%। देखिए, गठबंधन की प्रत्याशी हैं रुचि वीरा, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि कोई भी टक्कर में नहीं है और जो चुनाव प्रचार है वो अच्छा चल रहा है और जनता का प्यार उनको मिल रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।